भारत में कोरोना वायरस के मामले 59 लाख के पार हो गए हैं, वहीं 47 लाख से ज्यादा लोग इस वायरस से संक्रमण से ठीक हो चुके हैं। कोरोना के मामले में दुनिया भर में दूसरे स्थान पर काबिज भारत में इस संक्रमण से अब तक 92,000 से ज्यादा मौतें हो चुकी हैं। भारत में कोरोना मरीजों के ठीक होने की दर भी 81.74% है। वहीं देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 86,052 नए मामले सामने आए, जबकि 1,141 लोगों की मौत हुई है। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 3,827 मामले सामने आए हैं, जिसके साथ ही अब राज्य में कोरोना संक्रमण के कुल मामले बढ़कर 2,64,450 हो गए हैं। पिछले 24 घंटे में कोरोना की वजह से राजधानी में 24 लोगों की मौत हुई है। अब तक दिल्ली में कुल 5,147 लोगों की कोरोना के चलते मौत हो चुकी है। पिछले 24 घंटे के अंदर देश में रिकॉर्ड 14,92,409 लोगों की जांच हुई है। कोरोना टेस्टिंग का यह आंकड़ा एक दिन में सबसे ज्यादा है। इसके पहले 19 सितंबर को 12 लाख लोगों की जांच हुई थी। अब हर 10 लाख की आबादी में मरीजों के मिलने की संख्या बढ़ गई है। अब इतनी आबादी में 4,210 लोग संक्रमित मिल रहे हैं। 20 सितंबर को 4,200 मरीज मिलते थे। इतनी ही आबादी में मरने वालों की संख्या भी बढ़ी है और अब ये 67 हो गई है। दुनिया में संक्रमितों का आंकड़ा 3,27,00,000 से ज्यादा हो गया है, तो वहीं ठीक होने वाले मरीजों की संख्या भी 2,47,00,000 से ज्यादा हो चुकी है। अब तक 9,92,914 लोगों की मौत हो चुकी है। अमेरिका में 71 लाख से ज्यादा लोग संक्रमित हैं, जबकि 2 लाख से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। संक्रमण की दूसरी लहर को लेकर लैटिन अमेरिकी देश पेरू ने सख्त रवैया अपनाया है। यहां राष्ट्रीय आपातकाल 31 अक्टूबर तक के लिए बढ़ा दिया गया है। ब्राजील और दुनिया के मशहूर रियो डी जेनेरियो को फिलहाल टाल दिया गया है। 100 साल में ये पहला मौका है जब रियो कार्निवाल टला है। ब्राजील में करीब 46 लाख लोग संक्रमित हैं, जबकि मौतों का आंकड़ा 1,40,000 से ज्यादा हो चुका है। रियो कार्निवाल का आयोजन सांबा स्कूल करता है। उसने अपना एक बयान जारी कर कहा है कि हम कोविड-19 की वजह से ये आयोजन टाल रहे हैं।